देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की तारीखें जारी की जा चुकी हैं। 8 फरवरी 2020 को सिंगल फेज में दिल्ली में वोटिंग की जाएगी और 11 फरवरी 2020 को वोटिंग्स की काउंटिंग की जाएगी। लेकिन इस बार का दिल्ली इलेक्शन कुछ खास होने वाला है, क्योंकि इस बार इलेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और QR कोड जैसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। जी हाँ, QR कोड से वोटिंग स्लिप्स को हाईटेक बनाया जाएगा। वोटिंग डिटेल्स पर आपके नाम और आपके पोलिंग बूथ जैसी डिटेल्स के अलावा एक QR कोड भी प्रिंट होकर आएगा। जब आप अपने पोलिंग बूथ पर वोट करने के लिए जाएंगे तो वहां पर मौजूद पोलिंग ऑफिसर्स अपने फोन पर डाउनलोडेड बूथ ऐप से QR कोड को स्कैन कर लेंगे, जिससे वोटर वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी फास्ट हो जाएगी और पोलिंग बूथ पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनों का भी कम होने का अनुमान है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार पोलिंग बूथ पर आप अपना फोन भी लेकर जा सकेंगे और आपके फोन को रखने के लिए सभी पोलिंग बूथ पर लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। जी हाँ, अगर पोलिंग बूथ पर आप अपनी वोटर स्लिप ले जाना भूल जाते हैं या फिर आपकी वोटर स्लिप खो जाती है तो आपको अपने स्मार्टफोन पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करनी होगी, जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। उसके बाद वोटर हेल्पलाइन ऐप पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल के एक QR कोड डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि आपका वर्चुअल वोटर स्लिप की तरह काम करेगा, जिसके बाद आप पोलिंग ऑफिसर्स को अपने फ़ोन पर डाउनलोडेड QR कोड दिखाएंगे और वो QR कोड को स्कैन करके आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे और आपके स्मार्टफोन को वहां पर मौजूद लॉकर्स में डिपॉजिट कर देंगे, जिसके बाद आप अपना वोट कास्ट कर पाएंगे और वोट डालने के बाद आप अपना स्मार्टफोन वापस ले सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस बार इलेक्शन कमीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करने जा रहा है। जी हाँ, वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए आप अपने घर बैठे ये पता लगा पाएंगे कि आपके पोलिंग बूथ पर इस समय कितनी लंबी लाइन है, जिसके बाद आप सही वक्त पे जाके अपनी वोट डाल पाएंगे और अपना समय बचा पाएंगे। दिल्ली इलेक्टोरल लिस्ट के अनुसार 1,46,00,000 वोटर इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे, जिसमें स्पेशली एबल्ड वोटर्स यानी कि दिव्यांग जन भी शामिल होंगे, जिनकी सहूलियत के लिए ब्रेल वोटर स्लिप इस बार जनरेट की जाएगी और पोलिंग बूथ पर साइन लैंग्वेज वॉलंटियर्स भी मौजूद होंगे, ताकि एक भी वोटर छूट ना पाए। ये सारी प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने 90,000 ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने का प्लान किया है। वोटिंग स्लिप्स पर QR कोड का इस्तेमाल इससे पहले UP के हमीरपुर उपचुनाव में 2019 में किया गया था। वहां पर मिली सफलता के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में QR कोड को वोटिंग स्लिप पर प्रिंट करने का फैसला किया है। QR कोड का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। ये एक 2-डायमेंशनल मशीन रीडेबल कोड होता है, जिसको पहली बार 1990 में इस्तेमाल किया गया था। QR कोड जनरेट करने के बाद उससे एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अटैच कर दी जाती है। शुरुआती दिनों में QR कोड को स्कैन करने के लिए एक लेजर मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के समय में सभी स्मार्टफोन्स QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में वोटर स्लिप पर QR कोड प्रिंट करने वाले इस प्रोजेक्ट को अगर सफलता मिलती है तो उम्मीद है कि अगले होने वाले लोकसभा चुनाव में इसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा।